हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज हमारा व्लॉग आने वाला है बहुत ज़्यादा दिनों के बाद। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और होप यू गाइस आर आल्सो डूइंग गुड। तो अभी तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं रूम से निकलने वाला हूँ क्योंकि एक्चुअली आज हम दे रहे हैं अपने सीनियर्स को एक फेयरवेल पार्टी, तो आज मेरे को जाना है वहाँ पर। तो अभी मैं रूम से निकलने वाला हूँ, तो मिलता हूँ आपसे वहाँ पहुँच के सीधा। सिलेंसर फट गया, देखा? सिलेंसर कैसे फट सकता है अंचल? आवाज देख, कहाँ पे हो? आवाज भारी होती है, सिलेंसर निकल जाता है। हमारे थे ना, वैभव किरवार बैठा था साथ में। हाँ। पीछे का बंदा है ना, इसकी आवाज ही वैसी, तो मैंने एक्सीलेटर दिया और आगे चले के पास लेके बंदा आ गया। ऐसे ही करता क्या? ऑल्टो वाला ऐसे ही करता, तो मैंने भी किया। हाँ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे होटल देवदार में और अभी हम जाएंगे अंदर, देखते हैं बाकी सबसे मिलते हैं। सो लेट्स गो। और कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है भाई, गर्म भी दे दो कुछ, थोड़ा बहुत करने के लिए पकौड़े खिलाओ, पकौड़े नहीं लिटिल पकौड़े लाने, लिटिल बीटल होंगे। हाल बहुत बहुत ज्यादा खराब है, सब वन लिटिल बीटल ड्रिंक, इनका हालत खराब है। फाइनली अभी तो लंच का टाइम हो गया और सभी लंच कर रहे हैं, तो अभी हम भी चलते हैं लंच करने। सभी वैसे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं और लंच कर रहे हैं, सो लेट्स गो फॉर द लंच। बहुत बढ़िया, जा रहे हैं। हेलो क्लासमेट्स, तो खाना खाया नहीं अभी तक आपने? ओके ओके, ओ माय गॉड। और दोस्तों क्या क्या चाहते हैं, क्या मतलब अच्छा लग रहा है, क्या मतलब है तेरा, दुख क्यों लग रहा है तेरे को? ये तो नशे में है। फाइनली सीनियर्स, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? क्या थाली खोली भी जानी, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? इतना आपको लगा था जब हमने फ्रेश दी थी यहीं पे? क्या बात कर रहे हो, उतना ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा उससे? ठंड ही है, हीटर लगा दिए। हाँ, तो ये देखो
तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ओहो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का? बहुत अच्छा, खाना तो इतनी से चाय भी नहीं बोलनी थी यहाँ पे। देखो सभी खाना खाया जा रहा है सबके द्वारा। ये भी आएगा बीच में नहीं। ये यहाँ पे हमारे FMS के बंदे हैं थोड़े से। ये हमारी मास्कोम की, और देखो भूख खड़ी तरह लगी हुई है खाना खाने। और ये सबसे चूतिया बंदा हमारा बाली, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनोसेंट। ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनोसेंट, वही तो। ओहो, यहाँ पे एक और आए हैं हमारे साथ, ये भी FMS वाले हैं, और इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आपको कैसा लग रहा है कि हमारे सीनियर जा रहे हैं? कितने खुश हैं आप? कितने खुश हैं आप? खराब लगा। कोई नहीं, मिल जाएगी, आएंगे जूनियर्स आएंगे। आप लोगों गेम खेल के कैसे लग रहा? आप हारे जीते, आप 5 पॉइंट्स आए, आपको हार के कैसा लग रहा है? आपसे गुब्बारे नहीं फुलाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? ठीक है भाई, बैलून नाम दे सकते हो। अगला फाइनलिस्ट है हमारा भारती, सॉरी हमारी भारती, तालियां बजाएं भारती के लिए। Thank you.
शुभकामनाएं
बच्चों ने इस इतने अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और जाकर रीचा मैम इमोशनल कर गए। रीचा मैम ने बहुत सारी इंस्पिरेशनल आप सबके सामने एक अच्छी अच्छी बातों को रखा भी है, मैं उन बातों को बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि रीचा मैम ने कहा कि मैंने और वानिका ने यस बी वॉक डिपार्टमेंट के लिए जब से बी वॉक डिपार्टमेंट आया और स्टार्ट हुआ तो इसे कहते हैं कि अपनी तारीफ करना, मैं अपनी तारीफ नहीं करती लेकिन जिस तरह से मैंने और रीचा मैम ने इस डिपार्टमेंट को अपना मतलब 24/7 हमने कोशिश की है कि डिपार्टमेंट यहाँ रहे और आने वाले समय में भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या बाकी जितने बेनिफिट्स आप लोगों को वीवॉक डिपार्टमेंट से आने वाले समय में मिलने वाले हैं, हमने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की है। कोई कुछ कहे ना कहे Now I think it's time for the winner. Are you excited? Yes. Fake excitement, नहीं चाहिए, थोड़ा real enthusiasm दिखाओ। क्या लगता है आपको मिस्टर पहले कौन है? क्या वैसे ऑडियंस कौन? मिस्टर पहले तो मिस्टर पहले जो भी है वो खुशबू आना चाहिए। Yes, I was a bit confused, so I just cleared my confusion. So here we go with the result. So Mr. Farewell 2022, Mr. Danish. अपनी गिफ्ट लेके हो जाइए, एक छोटी सी केक है हमारे पास।
और ग्रुप फोटो भी लेना है, तो आ जाओ सारे। फाइनली गाइज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है मिस फेयरवेल, मिस्टर फेयरवेल बन चुके हैं और अब भी होगा डांस। आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी मेरी, तो अब भी जस्ट डांस होगा, सिर्फ और सिर्फ डांस। सो लेट्स डांस गाइज। बंद दिन हो रहा है भाई, फ्राइडे बस भाई फ्राइडे। तो फाइनली अभी काफ़ी बंदे जा चुके हैं यहाँ से, कुछ ही बचे हैं, सीनियर्स लोग जा चुके हैं अंदर, बाकी डांस कर रहे हैं और अपनी क्लास के कुछ बच्चे यहाँ पे फोटोग्राफी और डांस कर रहे हैं। सारे भंडुए बड़े हैं, सारे भंड हो चुके हैं, नेक्स्ट लेवल वाले भंडू हैं। फोटोग्राफी प्रो लेवल फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। यहाँ निखिल एक बेकार लड़का डांस कर रहा है। अभी हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, देवदार से बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं घूमने, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं पता नहीं, कौन सी साइड पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अच्छी जगह पे जा रहे हैं यहीं पे। और फोन में बैटरी नहीं है तो सिर्फ ब्लॉग की क्लिप्स आएंगे मेरे फोन से, तो सिर्फ बाकी फोटोज हम किसी और के फोन से खींच लेंगे। आज बहुत अच्छी वीडियो और बाकी अभी चल रहे हैं, शिवांशु भाई अपने पूरी अग्रेसिव मोड में आपको दिखाते हैं शिवांशु भाई की ड्राइविंग। ये शिवांशु भाई की अग्रेसिव ड्राइविंग आप देख सकते हो, बड़ी ज्यादा अग्रेसिव ब्रो, नेक्स्ट लेवल अग्रेसिव ड्राइविंग आएगी यहाँ पे। और मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं लबाना को देख सकते हैं आप ऊपर। सो फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं और नीचे है पानी, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, मतलब नेचर का मज़ा ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से। और आप लोग व्यू देख सकते हो इस वक्त,
हम आए कहाँ हमें पता है? हम आए कहाँ हैं? पता नहीं, आए रे आए हम आए हैं लूट कैंप मेजरपुर ये थाजी के पास। यस राइट, बस जहाँ इसने बोला ना बस वहीं आए हम। चलो ठीक है फिर। सेक्सी व्यू है यार, करना क्या है यहाँ के आपको? हमें फोटो शूट करवाना है। फोटो शूट? हाँ, कैमरा कहाँ आपका? हमारे पास। वाह 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 वाह, इतना क्रिंज कहाँ से लाते हैं आप? देखो कौन नहा रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है कोई नहा रहा है? नहाने में किसको शर्म होती है? हेलो, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? एंडिंग में खत्म हो चुका प्रोग्राम है, बताओ बताओ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिख रहे दिख रहे दिख रहे दिख रहे भाई, सीधी बात बेचती है। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, दिख रहे हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ चल रहा है, चल रहा। बोलो भाई क्वेश्चन। आप बताओ कैसा फील हो रहा है आपका यहाँ आके? सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे इधर आकर। पर पहले बार जब पहले मैं आया तो स्नैक्स बासी जैसे थे, जो रियलिटी है। जब लंच करने आया तो लंच पनीर बनाया था, कितने दिन का खट्टा पनीर, और जो बैग जो होटल का मैनेजर जैसी दीवार। गाइज आपने इसके इनके व्यूज देख लिए हैं, अबे लास्ट में बीप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जब मैं कल देवदार से आया तो बहुत ज़्यादा थक गया था, और मैं आके सीधा सो गया, और आते आते मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी बची थी जब मैं कार में रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी तो हो चुका है अपना फेयरवेल ख़त्म, और फेयरवेल का भी ब्लॉग आएगा, इसके बाद एक फेयरवेल की वीडियो आएगी जो कि मैं नहीं मेरा फ्रेंड डालेगा। तो अभी ये था शॉर्ट सा व्लॉग, मेरे मतलब एक लॉन्ग व्लॉग था, लेकिन इवेंट मैंने सिर्फ शॉर्ट सा कवर किया इसमें, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी था पूरा शूट करने में, और वो सारी फुटेज मेरे फ़ोन में नहीं है, एक्चुअली किसी और के फ़ोन में। सो व्लॉग में आपको इतना कुछ ही देखने को मिलेगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी को। बाय बाय।